नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। बेंगलुरु में दो दिवसीय विपक्षी नेताओं की बैठक होनी है। इस विपक्षी नेता की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अलावा भी बहुत सारे नेता शामिल होंगे। विपक्षी एकता के प्रयास को कांग्रेस के समझदारी भरे निर्णय से ताकत मिली है। जानते चले कि विमर्श न्यूज यह सवाल पूछ रहा था। विपक्षी एकता का एकजुट कार्यक्रम केजरीवाल के प्रस्ताव को नजरअंदाज कैसे कर सकता है। वहीं केजरीवाल पटना मीटिंग से नाराज होकर चले गए थे, क्योंकि वह अपेक्षा कर रहे थे कि दिल्ली की चुनी गई सरकार को नियंत्रित रखने की बीजेपी की कोशिश का एकजुट विरोध होगा। वहीं केजरीवाल ने मांग की थी कि जिस अध्यादेश के आधार पर केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी गई सरकार पर नियंत्रण रखना चाहती है, उस अध्यादेश को राज्यसभा से पारित नहीं होने दें। केजरीवाल ने संख्या के गणित को जोड़कर बताया है कि विपक्ष चाहे तो राज्यसभा में भाजपा पर भारी पड़ सकता है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी को जवाब दिया। मोदी साहब ने तो ये बोला था पार्लियामेंट में, सभी अपोजिशन को मैं अकेला ही भारी पड़ता है। जब अकेला ही भारी पड़ता है, फिर छोटे मोटे सबको लेके 30 क्यों गिन रहे? और 30 कौन से पार्टी है तो बताए, तो हम भी इलेक्शन कमीशन से लिस्ट मंगवाएंगे और बोलेंगे। अब हमारे पास जो 24-26 लोग जो भी आते हैं, वो हम पार्लियामेंट में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, मिलके भी रहते हैं, उनके 30 लोग कहाँ मिले थे मुझे तो मालूम है। एक प्रेशर करने का एक टैक्टिस है, प्रेशराइज करके हमारे अपोजिशन पार्टी के लोगों को तोड़ने का, और खासकर जो डीएमके कांग्रेस की मैत्री है वहाँ पर, वो डरा के अलग अलग करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डीएमके भी डरने वाली नहीं है, कांग्रेस भी डरने वाली नहीं है, या हमारे साथ जो भी अलायंस पार्टनर्स है उनके ऊपर अगर कुछ भी अगर जोर जबरदस्ती हो गई तो उसके खिलाफ हम लड़ते रहे। आज सुबह यह अच्छी खबर आई है कि कांग्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ना तय किया और केजरीवाल के प्रस्ताव का समर्थन जाहिर किया। वहीं विपक्षी एकता की मीटिंग के प्रभाव को ठीक से समझने के लिए देखते रहे विमर्श न्यूज। वीडियो विश्लेषण को अंत तक जरूर देखें। नीतीश कुमार अपने प्रांत का शासन चलाने में भले ही अविश्वसनीय साबित हो रहे हैं, इस समय विपक्षी एकता के लिए उनके प्रयासों को सफलता मिल रही है और उनकी सराहना भी हुई है। वहीं 12 जुलाई की पटना मीटिंग के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में मीटिंग होस्ट किया है। जानते चले कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक राज्य सरकार में कांग्रेस शासन है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मीटिंग होस्ट करने का कांग्रेस का प्रस्ताव था, परंतु प्रातः में भीषण बारिश और भूमि कटाव की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया है और अब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में यह मीटिंग 2 दिनों की हो रही है। बेंगलुरु में कांग्रेस के सोनिया गांधी सहित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, विपक्षी एकता चुनाव के पहले का अलाप बनकर न रह जाए, इसके लिए यह जरूरी है कि क्षेत्रीय दल भी इसके महत्व को महसूस कर पाए। न्यूनतम सहमति के कार्यक्रम में दिल्ली अध्यादेश के मामले के अलावे कश्मीर का मसला महत्वपूर्ण है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इस बात का स्वागत किया है कि कांग्रेस दिल्ली राज्य शासन संबंधी क्षेत्र के अध्यादेश का विरोध करेगी। वहीं पटना मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के साथ साथ इनके पिता और पार्टी लीडर फारूक अब्दुल्ला शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर से ही पीडीपी की लीडर महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई ही थी। कश्मीर के नेताओं ने यह सवाल उठाने की कोशिश की थी कि सभी दल मिलकर जम्मू और कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, साथ ही जम्मू और कश्मीर में आम चुनाव करवाने की मांग भी उठी थी। वहीं क्षेत्रीय मुद्दे और पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की एकता और लोकसभा चुनाव के लिए कारगर रूप से जुड़े, तब विपक्षी एकता का प्रयास और अधिक सार्थक होगा। वहीं नीतीश कुमार ने कल ही यह कहा था कि सभी छोटे क्षेत्रीय दलों को आमंत्रित किया जाना चाहिए,
इसी तरह दक्षिण भारत के 8 क्षेत्रीय दल बेंगलुरु मीटिंग से विपक्षी एकता के इस प्रयास में शामिल हो रहे हैं। ये भी बता दें कि भारतीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह बीमारी के कारण पटना मीटिंग में शामिल नहीं हो सके थे, वह बेंगलुरु मीटिंग में आ रहे हैं। अभी आज शाम से लगभग 26 दलों के नेता के बेंगलुरु मीटिंग में शामिल होने की खबर आ रही है। सभी नेता आज रात में रात्रि भोज में शामिल होंगे। यही नहीं, कल की मीटिंग में औपचारिक घोषणा पर सहमति बनेगी, प्रस्तावना आज से तैयार कर ली जा सकती है। इस वीडियो को देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया को हमारे लिए लिखने का कष्ट करें, इस वीडियो को शेयर करें तथा विमर्श न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखा करें विमर्श न्यूज। धन्यवाद।